बिजली पानी की मार कहां हो सरकार, आज तक की मुहिम जारी है। बढ़ती गर्मी का पारा एक तरफ, दूसरी तरफ पावर कट, जिससे कि लोग परेशान है, बेहाल है। आज हम आपको बताएंगे वाराणसी, जालंधर और दिल्ली के संगम विहार का हाल। आपको हम बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज तक की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बढ़ती गर्मी से लोग कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बढ़ता पारा और दूसरी तरफ बिजली की कटौती। तो जालंधर, दिल्ली और वाराणसी का हाल आज आपको हम बताने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तीन जगहों की तस्वीरें, टैंकर्स लगे हुए हैं, पानी के टैंकर्स वहां पर लगे हुए हैं, ड्रम है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद खाली है। लोग ड्रम में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि काश अगर इसमें पानी होता तो किसी तरह से वो अपने घर को ले जाते। कई कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हफ्ते, दो हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और पानी लेने वाले दुनिया भर के लोग। ऐसे में किस तरह से लोग इस तपती जलती गर्मी से राहत पाए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तीनों जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें वाराणसी से हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, साथ ही जालंधर से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली के संगम विहार से रजत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी में लोग किस तरह से बेहाल हैं इस गर्मी से, और साथ ही गर्मी के साथ साथ जिस तरह से पावर कट की परेशानी है, ऐसे में उनका जीना किस तरह से दूभर हो गया है, ये जानते हैं अनूप श्रीवास्तव से। जी अनूप, बताएं। नमस्कार, आज तक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अनूप श्रीवास्तव इस वक्त वाराणसी में मौजूद हूं, वाराणसी में 80 घाट पर। इसी 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, और आइए इस वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है और विश्व की ये सांस्कृतिक राजधानी है, इस राजधानी में, सांस्कृतिक राजधानी में बिजली और पानी की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको लेकर क्या परेशानियां हैं, ये आज हम हमको आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी का जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये समाजवादी पार्टी से इस्तकबाल कुरैशी साहब हैं, उसके बाद कांग्रेस से सतीश चौबे साहब हैं, इसके बाद वाराणसी के प्रथम नागरिक मेयर राम गोपाल मोहिले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ यहाँ के MLA रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वाराणसी में पिछले एक सालों में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर मुझे याद आता है तो वाराणसी में बिजली की कटौती जो है वो शुरू हुई थी तकरीबन 2000-2001 में सुबह 10 बजे से लेकर बजे तक, सालों तक ये प्रक्रिया जारी रही, और अब क्या हाल है आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पीछे चलते हैं, हमारे दर्शकों से जानने की कोशिश करते हैं, आपका क्या नाम है? कपिल देव तिवारी। कपिल देव, ये बताओ कहाँ रहते हो? 80 पर रहते हैं। 80 घाट पे रहते हो जी। बिजली पानी सब ठीक है? ठीक है अभी है? ठीक है अभी। आपका क्या नाम है? जी नीतीश भरद्वाज मेरा नाम है। कहाँ रहते हो नीतीश? मैं यही नगवा में रहता हूँ। बताओ क्या पोजीशन है अभी बिजली की और पानी की? पानी की समस्या जो है, अभी बिजली 5-6 घंटे कट जाती है, इस गर्मी में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, अगर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, ये परेशानी है यहाँ की है, अभी भी है, और मैं अभी जारी है। जी जारी है, मैं 3 साल से यहाँ हूँ, देख रहा हूँ परेशानी अभी भी है यहाँ। कितने घंटे कट जाती है यहाँ? 5-6 घंटे तो कट ही जाती है बिजली। आपका क्या नाम है? आप बताएं। महाराज रविंद्रनाथ है। रविंद्र जी कहाँ रहते हो? सेवापुरी। सेवापुरी यहाँ से काफ़ी दूर है, क्या हालत है आपके इलाके की? हमारे इलाके की हालत सही नहीं, बिजली तो पहली बार तो आता ही नहीं, पानी का व्यवस्था है नहीं, जल निगम है ही नहीं उधर, हैंडपम्प से पानी हम लोग पीते हैं बस। पानी कैसा आता है? हैंडपम्प से आता है। पानी साफ आता है हैंडपम्प से? जी एकदम साफ आता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनारस को पानी की लगभग 400 MLD की ज़रूरत होती है। इन 400 MLD में तकरीबन 200 MLD गंगा मैया से लिया जाता है, और बाकी जो है बोरिंग से लिया जाता है, और इसके अलावा प्राइवेट बोरिंग है, तमाम ट्यूबवेल्स हैं। हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं इस इलाके के, आप जरा खड़े होइए और आप बताइए खुद, जो आप जनता का लोकल प्रतिनिधित्व करते हैं, कि क्या पोजीशन है बिजली पानी की? बिजली की व्यवस्था तो पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, इसके लिए प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। और बड़ी चीज़ जो यहाँ पे जो सामने निकल के आ रही है, आपने बताया कि 200 MLD गंगा से हम लेते हैं, मैं आपको सच्चाई बता दूं, इस वक्त जो स्थिति है 60 MLD से ज़्यादा पानी गंगा जी से नहीं उठाया जा रहा है, हम लगातार जो है इसके जल पानी की पूर्ति कहाँ से हो रही है? पानी की पूर्ति ट्यूबवेल है। अब बता दें बनारस में करीब 20% से ज़्यादा लोगों ने अपना बोरवेल और पंपिंग सेट लगा रखा पर्सनल, 50% की बोरिंग है, ट्यूबवेल है, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? शहर के प्रथम नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ पर रहा है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत रही है, सांसद यहाँ का है, फिर भी पानी की दिक्कत है। हिंदुस्तान में काशी
में जितना शुद्ध जल मिलता है और जितनी जल उपलब्धि पर्याप्त होती है उतनी हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं है। आज भी काशी में, दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, बगल के शहर में मिनरल वाटर पीते हैं। काशी में गंगा के माँ गंगा हमारी हैं और यहाँ पे करीबन 400 गंगा के प्रदूषण के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। गंगा प्रदूषित नहीं, गंगा में गिर रहा है, पहले से गिर रहा है। अविरल गंगा बहती रहेगी तो कोई ऐसा नहीं है। और आज भी गंगा जल से बहुत लोग जो है उसको पवित्र मान के पीते हैं और गंगा जल ये मानने की बात है, मानने की बात है। मेयर साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है। इस्तकबाल कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत पुराने नेता हैं यहाँ बनारस के। कुरैशी साहब, आप मेयर साहब की बातों से सहमत हैं? मेयर साहब ने की पार्टी ने एक जुमला कहा था, हमारी सरकार 24 साल बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूपी के अंदर ओबरा में 500 मेगावाट का जो सब स्टेशन देने का काम किया 2016 में। अभी तो हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली लगातार देना शुरू कर देंगे। और यकीन दिलाता हूँ कि गंगा के सवाल पर जिन लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा मचाया था, गंगा के सवाल पर कोई काम नहीं हो रहा। हम ऐसी गंगा बहाना चाहते, पानी भी नहीं मिल रहा है सरकार आपकी, पानी नहीं नहीं 330 एमएलडी पानी शहर को दे रहे हैं हम, जिसमें से तकरीबन 200 से करीब करीब हम गंगा से ले रहे हैं और 130 एमएलडी करीब करीब हम ट्यूबवेल वगैरह से ले रहे हैं। सरकार जिनकी नहीं है लेकिन काफी मजबूत भूमिका रही है राजनीति में, कांग्रेस से हमारे साथ सतीश चौबे जी। सतीश जी, आप मेयर साहब की बात से और इस्तकबाल कुरैशी साहब की बात से सहमत हैं? दुर्भाग्य यह है कि माननीय मेयर साहब और हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, इन दोनों लोगों के इस तथाकथित झगड़े में केवल बनारस के लोग पीस रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, पता नहीं कहां से हमारे पार्षद जी को लग रहा है कि बिजली की व्यवस्था सुधर गई। अभी गांव में से मैं आ रहा हूं, गांव में मात्र 10 घंटा बिजली वो भी कटौती के साथ आ रही है, बीच बीच में रुक करके आ रही है। बिजली का सवाल केवल अखबारों में आता है। और दुष्यंत कुमार जी की वो कविता मुझे याद आ रही है कि ऐसी अखबारों में खबर पढ़ के मेरे भी दिल में ये ख्याल आया कि इस तरफ भी आती फसलें बाहर तो हम भी देखते, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। हमारे साथ प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि मौजूद हैं, रविंद्र जायसवाल जी एमएलए हैं काफ़ी समय से यहाँ पर, क्या वजह है, क्यों दिक्कत हो रही है? भारत सरकार के तरफ से JNNRI योजना के तहत 1 अरब 91 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया गया पेयजल के लिए, और 1 अरब 91 करोड़ रुपया पूरी तरह से खत्म हो रहा है लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला। ये पैसा आया था प्रदेश सरकार के जल निगम विभाग को, यानी प्रदेश सरकार की जो विभाग थी जल निगम, वह 1 अरब 91 करोड़ रुपया लेने के बाद भी शहर को एक बूंद पानी नहीं दे पाई। फिलहाल जो बुनियादी मुद्दा है बिजली और पानी का, उस पर कोई भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं है। पब्लिक को भरोसा नहीं है कि अगले एक सालों में कुछ बेहतर हो सकेगा। क्या कहना है आपका, सुधर पाएगा? नहीं सुधरेगा, इन लोग सिर्फ ये समस्याएं बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ये जो आपको जो भी आ रहा है, जो भी जितने भाजपाई बैठे हुए, इन लोग सिर्फ कहते हैं 10 दिनों में आके ये फावड़ा दिखा। हमारा कहना है जनप्रतिनिधियों से कि अभी ये लोग बता रहे हैं कि इतना पैसा केंद्र से आया और यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हम जनता इनको जनप्रतिनिधि बनाए हैं, ये खड़ा होकर क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? लग रहा है बनारस में इतना पैसा है, वो सपा ने पैसा नहीं काम किया, मंदिर लोग बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह बनारस में सब कुछ खराब ही है। हमारे साथ कुछ संपूर्ण संस्कृत महाविद्यालय के लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? कपिल बादल नाम है हमारा। कैसी पोजीशन है बिजली पानी की आपके इलाके? अभी कम से कम 15 दिन से बिजली पानी सही ढंग से ठीक चल रहा है। सिर्फ 15 दिन से और पहले कम से कम 6-6 घंटे की कटौती होती थी। चलिए, तो एक कम से कम इस पूरे तमाशे में कम से कम एक जगह से अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से बिजली की समस्या में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन पानी की समस्या बदस्तूर जारी है। दिक्कत यह है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों में समन्वय न होने की वजह से इसका खामियाजा काशी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वाराणसी का हाल आपने देखा, जालंधर में क्या स्थिति है, वहां पर लोग किस तरह से बिजली और पानी की मार से परेशान हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हम इस समय जालंधर में मौजूद हैं और जालंधर के बारे में इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया के महान जो खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन हो, फुटबॉलर हो, हॉकी हो,
हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं जालंधर के बने प्रोडक्ट से खेलता है, यानी कि पूरी दुनिया के मानचित्र पर जालंधर की जो पहचान है वो खेल उद्योग के लिए मशहूर है। लेकिन फिलहाल हम एक रिहायशी इलाके में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं बिजली और पानी की। पानी की हालत क्या है ये मैं आपको ये पाइप अपने हाथ में लेकर बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पर ये जो बाल्टियों की कतार यहाँ पर लगी हुई है, ये कतार आप देख सकते हैं, ये कतार यूं ही नहीं लगी है, बल्कि पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, और जब भी आता है जिस वक्त भी आता है उसी वक्त पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। आपका नाम क्या है? सर मनु। क्यों भर रहे हो पानी? सर पानी अंदर ही साढ़े मल्ले से कभी कभी छुट्टी करके रोए भरने पड़े सानू, कभी अद्धी दाड़ी थोड़ा कभी पूरी छुट्टी करके फिर भरने पड़े। बत्ती चल गई तो भी पानी नहीं होना, दो तीन दिन पानी नहीं होता, फिर कभी गुरुद्वारे तो लेके जा करीब अड्डे तो पानी भर के ले जा, बड़ी मुश्किल। ये कह रहे हैं कि पानी भरने के लिए स्पेशल छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी लेकर यहाँ पर आना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं खासी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको पानी के बिना कितनी दिक्कत होती है, पानी क्या वाकई में आपको कम मिलता है? हाँ जी कम मिलता है पानी। ये जो टैंकी के साथ आप जिस ये टैंकी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस टैंकी पर ये हाथ लगाकर खड़ी हुई है, ये टैंकी सिर्फ इसलिए है कि जब भी पानी आए इसको भर लें यहाँ पर और उसके बाद जो है पानी स्टॉक हो जाए। काफी सारे लोग मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। हम तीन तीन चार चार दिन पानी आता नहीं यहाँ, इसीलिए हम खड़े हो रहे हैं कि पानी आएगा तो जिस समय पानी आएगा मोटर चला के लगाएंगे, पानी भरेंगे उस समय। ये तीन तीन दिन कभी तो लाइट नहीं होती, कहीं कई दिन लाइट नहीं यहाँ आती है, ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एरिया की। कितने घंटे आता है पानी? पानी सुबह 5 बजे चलाते हैं और 10 बजे बंद कर देते हैं, जो इनका नगर नियम का टाइम है वो भी कुछ मूल्यों में आता है। बाकी 99% लोगों के घर टुल्लू पंप लगे हुए हैं, उनके जरिए लोगों को पानी मिलता है, अगर बत्ती हो तो, अगर बत्ती नहीं है तो पानी की कोई उम्मीद ना रखे, इतना बुरा हाल है। पानी का और बिजली का हाल बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ जो जालंधर की सीनियर डिप्टी मेयर हैं उनको भी हमने बुलाया है और उनके सामने ही हमने इन लोगों से बात की है। मैम जिस तरीके से ये लोग शिकायत कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो शिकायत है वो जेन्युइन है। क्या वाकई में बिजली पानी की हालत है आपके शहर में? नहीं हमारे शहर में तो ऐसा नहीं है, मेरे को तो पहली बार ही ऐसा मौका मिला है यहाँ पर देखने को। मेरे एरिया में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे वार्ड में 2.5 साल हुए इलेक्शन हुए और मैंने 3 ट्यूबवेल लगा दिए हैं, लेकिन अभी मेरे को इधर आके पता चला कि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन अभी नॉलेज में आया है तो इनका ट्यूबवेल हमें प्रॉमिस तो नहीं करती लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर एक आपका ट्यूबवेल लगाया जाएगा। कुल मिलाकर ये समस्या पुश्तैनी नजर आ रही है जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि पिछले लंबे अरसे से 7-8 सालों से ये समस्या बनी हुई है। बहरहाल जालंधर का ये हाल हमने आपको बताया है, लोग बिजली और पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पानी इस तरीके से हासिल किया जाता है जिस तरीके से कि कहीं ना कहीं जंग के मैदान से कोई चीज हासिल करनी पड़ती है। और अब बात करते हैं दिल्ली के संगम विहार की, जहां पर हमारे संवाददाता रजत सिंह मौजूद हैं। रजत आपको बताएंगे वहां पर किस तरह से दिल्ली के संगम विहार में लोग परेशान हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस चुपती जलती गर्मी से वो निपटे और साथ ही बिजली संकट से भी। रजत बताएं कि वहां पर लोग दिल्ली के संगम विहार में कितने परेशान हैं। दिल्ली में पानी का क्या हाल है ये जानने के लिए हम निकले हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। फिलहाल हमें संगम विहार के बुद्ध बाजार इलाके में, और यहाँ पर आमतौर पर टंकियाँ आपने छतों के ऊपर देखी होंगी लेकिन यहाँ हर घर के बाहर आपको ये बड़ी बड़ी टंकियाँ मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्या। और जब लोगों को पता चला कि हम पानी के बारे में बात करने इनसे पहुँचे तो आप देखिए कितने लोग यहाँ पर जमा हैं, सबके घरों के बाहर टंकियाँ हैं। ये बताइए कितनी समस्या है पानी की और क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? तू बोले कुछ भी नहीं है, क्या व्यवस्था है सरकार की और पानी का, यहाँ क्या इंतजाम है, कहाँ से पानी आता है? टैंकर मंगाते हैं भैया यहाँ से, तभी प्राइवेट लाते हैं, यहाँ कोई नहीं, सरकार ने टैंकर देती ना कुछ देती, कुछ भी नहीं देती, वोट देने के लिए तो बस सबसे आगे होते हैं हम। बहुत परेशानी। क्या क्या कहा गया था 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा, क्या कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोल दिया है कुछ नहीं आ रहा है, सब अपने अपने मंगा रहे हैं ना मूल। ये जो टैंकर आता है ये क्या सरकार की तरफ से आता है या आप लोग पैसे देके मंगाते हैं? हम पैसे देके खरीदते हैं, पैसे देके खरीदते हैं, पैसे देते हैं भैया, पैसे। जल बोर्ड की तरफ से कोई टैंकर? नहीं नहीं पैसे देते हैं, 1200 रुपए भी ले जाता है, 1500 भी ले जाता है, और पहले आ जा करता
ये भी नहीं आता पानी। क्या उन नेताओं से शिकायत की जो वोट लेने आए थे इससे पहले, कुछ कहते हैं क्या जवाब? सबसे कहा भैया हमने पानी के लिए बोला था भैया, हम जब आप वो वोट लेने हमारे घर आए थे तो हम वही ऑफिस में शिकायत करने गए थे, तो हाथ पैर जोड़ने के लिए वो हमारे घर आए, तो पानी देने के लिए कौन हुआ था, कौन निभाएगा? तो क्या अब कोई देखने नहीं आता पानी? ये बताइए सर, जब शिकायत करते हैं इस समस्या के बारे में नेताओं को बताते हैं तो क्या जवाब मिलता? ट्यूबवेल अभी नहीं लगेगा एक साल तक, और एक साल से पानी बराबर टैंकर का मूल ले रहे हैं। ये परेशानी है, हम इस वक्त हैं संगम विहार में, यहाँ भी पानी की वही तस्वीर नजर आ रही है कहीं ना कहीं जो ओखला में आई थी। इन टंकियों को छत के ऊपर होना चाहिए था, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी, 20,000 लीटर मुफ्त पानी रोज, लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि 20 लीटर पानी भी अगर किसी को मुफ्त मिल जाए तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी। आज आपको हमने बताया वाराणसी, जालंधर और दिल्ली के संगम विहार का हाल। कल आपको बताएंगे बिजली पानी की समस्या से किस तरह से लोग जूझ रहे हैं, दिल्ली, इंदौर और नांदेड़ के लोग।